हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। और आज है थर्सडे, यानी कि टीआरपी डे। तो सारे इंडियन टीवी सीरियल्स के टीआरपी आपको ये वाले फुल टीआरपी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट टीवी शोज़ के अपडेट्स एंड हर हफ्ते फुल टीआरपी आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। और हमारा जो पुराना चैनल था, अब वहाँ पर 90,000 के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करिए कि हमारे वीडियोस फिर से उन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाए जो कि यहाँ पर भी आकर जुड़ सकें। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एन टीवी के शोज़ के टीआरपी को हम देखने वाले हैं। अटल सीरियल 0.2 के टीआरपी रेटिंग लेकर आया है। डियर अम्बेडकर की भी 0.2 ही है। भाभी जी घर पर हैं लेकर आए हैं इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी। और उसके बाद है हप्पू की उल्टन पलटन, जो कि उसी का स्पिन ऑफ सीरियल है, उसकी टीआरपी रेटिंग भी हमें 0.3 ही देखने को मिलती है। तो एन टी वी के शोज़ की टीआरपी वैसी ही है जितने की कई महीनों से जैसी की रहती होती है। तो कुछ भी यहाँ पर हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। भाभी जी और हप्पू बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और अटल और बी आर अम्बेडकर की टीआरपी सेम है। आगे बढ़ते हैं स्टार भारत की ओर, जहाँ पर शैतानी रस्म में बेस्ट परफॉर्मर बना हुआ है। इस वीक भी 0.3 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि स्टार भारत जैसे चैनल को देखते हुए एक डिसेंट टीआरपी रेटिंग है। उसके बाद सावधान इंडिया है, जो कि 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। इस बार भगवान परशुराम और बाघिन दोनों सीरियल 0.1 की टीआरपी लेकर आए हैं। इसी के साथ स्टार भारत अपने शैतानी रस्में के सक्सेस को देखकर और हॉरर शो भी लेकर आने वाला है। अगर आपने वो वाला वीडियो अब तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार भारत के नए हॉरर शो पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है यहाँ पर दंगल टीवी। तो मिलके भी हम ना मिले से शुरुआत करते हैं, जो कि 0.2 की टीआरपी लेकर आया है एंड जल्दी अपना लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट करने वाला है। कैसा ये रिश्ता जाना 0.2 की लेकर आया है और ये भी बहुत जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। मन अति सुंदर 0.7 की टीआरपी रेटिंग इस हफ्ते लेकर आया है। उसके बाद नथ जेवन जंजीर है, जो कि 0.3 की टीआरपी लाया है। मन सुंदर की 0.7। तो यहाँ पर मन अति सुंदर और मन सुंदर दोनों बेस्ट परफॉर्मर्स हैं चैनल के, दोनों की टीआरपी रेटिंग 0.7 देखने को मिलती है। उसके बाद है तोसे नैना मिलाई के सीरियल, जिसकी टीआरपी 0.2 है। और फिर आता है दीवानी 0.3 के साथ, और फिर है जननी एआई की कहानी 0.3 के साथ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जननी और दीवानी की टीआरपी 0.2 थी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ तो देखने को मिला 0.3 की, तो अब लेकर आ रहे हैं। बाकी सारे शोज़ की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन मन अति सुंदर और मन सुंदर ये दोनों शोज़ बेटर परफॉर्म कर रहे हैं बाकियों से 0.7 के साथ। लेकिन आजकल कोई 1.0 के मार्क को टच नहीं कर रहा है। अब सोनी टीवी के सीरियल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर काव्य से शुरुआत करें तो 0.2 की टीआरपी काव्य लेकर आई है 7:30 बजे वाली टाइम स्लॉट पे। फिर दबंगी है, इसकी भी 0.2 ही है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, उसकी भी 0.2 ही है। बहुत जल्दी बंद होने वाला है वो वैसे तो। ये तीनों शोज़ की 0.2 ही रहती है हर हफ्ते, और इस हफ्ते भी वैसी ही आई है। श्रीमद रामायण की बात करें तो 0.6 लेकर आया है। तो इसकी परफॉर्मेंस भी अब उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की राह करती थी स्टार्टिंग वाले वीक्स में। तो मेहंदी वाला घर है 0.3 की लेकर आया है, 0.4 लेकर नहीं आ पाया इस बार। फिर वीकेंड रियलिटी शोज़ पर जाएं तो सुपरस्टार सिंगर की 0.9 है, तो 1.0 को भी टच नहीं कर पाते हैं आजकल रियलिटी शोज़। उसके बाद मैडनेस मचाएंगे, जो कि 0.4 की लेकर आया है, और आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्तों में ये शो ऑफ एयर कर दिया जाएगा लो टीआरपी रेटिंग के कारण, वरना ज़्यादा लंबा चल सकता था अगर अच्छी टीआरपी आती। आगे बढ़ते हैं जी टीवी की ओर। तो गाइस, जी टीवी पे एक कुड़ी पंजाब दी 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति 0.4 लेकर आया है। तो यहाँ पर शिव शक्ति की टीआरपी भी बहुत डिक्लाइन हो चुकी है, टाइम स्लॉट चेंज के बाद ये शो की टीआरपी रेटिंग में बैंड बज चुकी है। उसके बाद है मैं हूँ साथ तेरे नया सीरियल 0.6 की टीआरपी, जो कि लेकर आया है। राधा मोहन 0.8 लेकर आया। आजकल राधा मोहन की टीआरपी भी 1.0 को टच नहीं कर रही है, और इसकी टीआरपी में भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो सही दिन नहीं चल रहे हैं राधा मोहन की टीआरपी के भी। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी 1.3 लेकर आया है, कुमकुम भाग्य की 1.2, कुंडली भाग्य की भी 1.2, दोनों शोज़ की सेम है। और कुमकुम भाग्य में लीप आने वाला है, हम जानते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए 1.0 की टीआरपी लेकर आया है, और ये टीआरपी ठीक ठाक है। अभी आईपीएल भी चल रहा है, आईपीएल के बाद देखते हैं इंक्रीज़ आते हैं नहीं। वैसे पहले 1.3 के राउंड की ले आया करता था। उसके बाद है रब से दुआ 0.7 की टीआरपी के साथ। इसके टीआरपी में कोई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ चेंज कुछ देखने को नहीं मिल रहा, स्टक सी हो गई है टीआरपी और रुक सी गई है। 0.7 ही हर हफ्ते लेकर आ रहा है ये वाला सीरियल।
तो गाइस और जो अगला चैनल है हमारे पास वो है सोनी सब। तो सब टीवी पे 7 बजे पे तो पहले वंशज आता है, वो 0.5 की टीआरपी लेकर आया है। उसके बाद आंगन अपनों का 0.4, ध्रुव तारा 8 बजे पे 0.4 लेकर आया है। एंड ध्रुव तारा बंद होने वाला था लेकिन इसको एक्सटेंशन मिली गई है। एक्सटेंशन जो है वो सितंबर तक की है लेकिन उससे पहले भी ऑफर किया जा सकता है। टीआरपी आने वाले हफ्तों की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसके लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 1.3 है, इसके टीआरपी में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। वागले की दुनिया, पुष्पा इम्पॉसिबल दोनों शो 0.7 ही लेकर आए हैं। आजकल इनकी टीआरपी भी डाउन हुई पड़ी है। वंशज 10 बजे पे जो आता है 0.6 लेकर आया है। और जीजा जी छत पर हैं जो कि रिपीट टेलीकास्ट दिखाए जा रहे हैं, 0.3 की टीआरपी लेकर आए हैं। तो जब से इनको स्टार्ट करा गया है रिपीट टेलीकास्ट 10:30 बजे पे 0.3 ही लेकर आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कलर्स टीवी चैनल की ओर। शाम के सीरियल से शुरुआत करते हैं जहां पर उड़ारियां 0.5 की टीआरपी लेकर आया है। उड़ारियां को करंटली एक्सटेंशन मिल गई है, जैसे कि ध्रुव तारा को भी मिली थी। और 2 महीनों के अराउंड की एक्सटेंशन है जहां पर टीआरपी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर सकती है। सुहागन की टीआरपी 0.8 है। कृष्ण मोहिनी नए सीरियल की 0.7। परिणीति 1.2 की टीआरपी लेकर आया है। शिव शक्ति की है 1.5। डोरी की 1.2 है। मंगल लक्ष्मी की 1.3। बालम थानेदार की भी 1.3 ही है, एटलीस्ट स्टेबल है शो। लक्ष्मी नारायण की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, 0.7 की टीआरपी। शो की परफॉर्मेंस बेटर थी कयामत से कयामत तक 0.4। और डांस दीवाने की आई है 0.9। तो रियलिटी शो भले कलर्स का हो, सोनी का हो, सबके ही बुरे हाल चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टार प्लस चैनल की ओर। शाम के सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा लेकर आया है 0.4 की टीआरपी रेटिंग। मैंने वीडियो बनाया था इस पर, ये शो ऑफेयर जाने वाला है, बंद होने वाला है, लेकिन अभी कुछ समय बचा है उसमें। फिर है तेरी मेरी डोरियां जो कि 1.1 लेकर आया है। इसके टीआरपी में बहुत ही ज़्यादा भारी डिक्रीज देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। आईपीएल भी चल ही रहा है। पंड्या स्टोर के टीआरपी 1.2 है, तेरी मेरी डोरियां से तो ज़्यादा है, लेकिन ये शो ऑफ एयर जाने वाला है। फिर है घूमे किसी के प्यार में 1.9 हो गई है इसकी टीआरपी, 2 से नीचे आई है इस बार भी। इमली की 1.3 है जो कि बंद हो चुका है, ऑफ एयर जा चुका है। उड़ने की आशा की 1.5 है, इमली से ज़्यादा टीआरपी रेटिंग है ये वाले सीरियल की। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि भी 1.9 ही आई है इस बार, 2 को टच नहीं कर पाया। और फिर अनुपमा है 2.3, एज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही बना हुआ है, अपनी टीआरपी को कायम रखा हुआ है। झनक की 1.9 इस बार, झनक के टीआरपी में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो शो हर हफ्ते 2+ लेकर आता था इस हफ्ते फॉल है। ये है चाहते कि 1.0 है 11 बजे की टाइम स्लॉट। तो गाइस ये थी फुल टीआरपी वीडियो। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट से अपना फेवरेट शो और चैनल बताइएगा, शेयर कर दीजिए सारे चैनल्स और सारे शोज़ के फैंस के साथ। ऐसी ही फुल टीआरपी हर वीक पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि हर हफ्ते टीआरपी के साथ आप कंप्लीटली अपडेटेड रहें। आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट सीरियल या फिर चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।